दोस्तों वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, कैसे वॉशिंग मशीन इन कपड़ों को अच्छे से धोकर बाहर निकाल देता है, आखिर फैक्ट्री में इतने सारे वॉशिंग मशीनों को कैसे बनाया जाता है और एक मशीन बनाने में कितना वक्त लगता है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील को लेजर कटिंग प्रोसेस द्वारा काटकर लंबी लंबी लेयर का रूप दिया जाता है, जिन्हें एक मोल्डिंग मशीन द्वारा प्रेस करके वॉशिंग मशीन के पार्ट्स का शेप दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट और बैक पैनल को भी तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन्हें कुछ लिक्विड से गुजारा जाता है, साथ ही साथ इन्हें ओवन में गर्म भी किया जाता है ताकि ये और मजबूत हो जाए। अगली प्रोसेसिंग में इस पैनल्स पर कलर को असेंबल किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद वॉशिंग मशीन के वाटर टैंक को बनाया जाता है, जिसे एक पंचिंग मशीन द्वारा शेप देकर और वेल्डिंग मशीन द्वारा 61 इंच के शेप में पांचों साइड से पैक कर दिया जाता है। इसी के साथ इस वाटर टैंक में एक हॉल भी किया जाता है, जिसमें एक बैरिंग को फिट करके उसे अच्छे तरीके से मोटर रोटर से अटैच कर दिया जाता है। आगे इस मोटर और वाटर टैंक दोनों को प्लास्टिक बैश से अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है। अब इन टब को स्क्रू से अच्छे तरीके से कसा जाता है। आगे इस टब को वॉशिंग मशीन के टैंक में फिट किया जाएगा, जहां पर इस टब से एक आउटर नली और वॉशिंग मोटर को अटैच किया जाता है, जिसके कारण ही सारा गंदा पानी बाहर निकल पाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस वॉशिंग मशीन के फ्रंट बैक और साइड पैनल को स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से अटैच किया जाता है। आगे अब इस मशीन के डोर को भी फिट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस वॉशिंग मशीन पर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है। आगे अब इस वॉशिंग मशीन की क्वालिटी की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिन्हें कई ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनों द्वारा टेस्ट किया जाता है और अंत में पैक करके डीलर को बेचने के लिए भेज दी जाती है।